मुझे तो ऐसा लगने लगा कि अपने 50-60 तक भी आपको अपने चैनल पर बस आई क्रीम का रिव्यू भी देती रह जाऊंगी, क्योंकि मैंने इतने सारे आई क्रीम यूज किए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट किससे भी नहीं मिला है। तो काफी मैंने रिसर्च करने के बाद एक मुझे एक ऐसी क्रीम पता चली है जो डर्माटोलॉजिस्ट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है और वो हमारे अंडर आई डार्क सर्कल में भी अच्छा काम करती है। ये प्रोडक्ट है ब्यूटी ऑफ जोसों, आई थिंक इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, एंड इसका रिव्यू मैंने काफी ज्यादा देखा हुआ है। लेट्स सी ये कैसा काम करता है, मेरे डार्क सर्कल दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आई एम रियली होपिंग कि ये मेरे पे अच्छा काम कर जाए इस बारी। एंड ऑफकोर्स मैं आपको इसका एक महीने का रिव्यू देने वाली हूँ, पूरा ऑनेस्ट रिव्यू, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये कोरियन ब्रांड है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ही आई थिंक कोरियन साई कुछ लिखा हुआ है। यस ओ अच्छा ऐसा निकाल रहे थे, इसमें कुछ थोड़ा सा येलो येलो सा क्रीम है, ये फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल भी नहीं है जो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी कैसा लगता है। ओके वैसे मैं इतने आई क्रीम यूज कर चुकी हूँ अभी तक तो कि पता नहीं कितने आई क्रीम, मेरा पूरा ये एरिया एकदम डार्क होने लग गया है, बहुत ही पिगमेंटेड लगता है। आई होप ये अच्छे से काम करे, अब तो मैंने नीड भी अच्छी खासी लेना स्टार्ट कर दिया है। ओके सो लगाने के बाद बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जा रहा है जो बहुत अच्छी बात है, एंड अभी मैं आपको हर वीक इसका रिव्यू देती रहूँगी और डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कुछ इसी तरीके से, और अगर अच्छा हुआ हम ये भी होपिंग कि अच्छा ही हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट। तो ये मैं आपको अपडेट दे रही हूँ 7 दिन बाद की, एंड बहुत ऑब्वियस सी बात है 7 दिन में कोई भी क्रीम इतना अच्छा काम नहीं कर सकती है, तो अभी भी इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और हम लोग आगे से फिर से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे काम कैसे करती है। गाइस सो मेरी अपडेट है ये 10-15 दिन के बाद, मैं इससे पहले वाले वीक में दे नहीं पाई थी, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसने थोड़ा बहुत मेरी डार्क सर्कल पर काम कर दिया है, अभी आप लोग देख सकते हैं पिगमेंटेशन थोड़ी बहुत कम मुझे लग रही है, आई डोंट नो मुझे ऐसा लग रहा है, पर ये मेरे आई बैग्स में भी काम कर रहा है, मुझे मेरे आई बैग भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आज ये 15वां दिन है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीक में आपको दिखा दूंगी, अगर कोशिश करूंगी पूरी ट्यूब खत्म होने के बाद आपको इसका रिव्यू दूं फाइनल वाला, पर नहीं होता है अगर ऐसा काफ़ी टाइम लगता है तो 1 महीने बाद डेफिनेटली मैं आपको इसका रिव्यू दे दूंगी। अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद अब हम इसको यूज़ करेंगे और इसके बाद मैं अब इसको यूज़ करूंगी नेक्स्ट वीक, तो कुछ मैं ऐसे पूरा ही लगा लेती हूँ इसे, किसी भी तरह की कोई ईचिंग नहीं होती है और बहुत ही हाइड्रेटिंग मेरे को मेरी आईज लगते हैं सुबह उठने तक। तो अगर मैं कहूँ कि इसने कुछ भी काम नहीं किया है ऐसा बोलना गलत ही होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये काम कर रहा है। सो मैंने लगा लिया है, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगी। तो गाइस ये अपडेट है 4 वीक का बाद की, 4 हफ्ते हो गए हैं मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करते करते, मैंने रात को ये आई सीरम लगाया था और सुबह उठ के बिना फेस क्लीन किए मैं आपको अपडेट दे रही हूँ ताकि आप लोग डिफरेंस बता पाएँ। और इस बारी मैंने अपने कैमरे से भी ये रिकॉर्ड नहीं किया है, ये मैंने किया है अपने फ़ोन से रिकॉर्ड, ताकि आप लोग अच्छे से डिफरेंस देख के बता पाएँ और आपको पता चले कि कैसा काम इसने किया है। मुझे अभी तक ठीक ठाक लगा इसका काम, एंड इस वीक के बाद मैं आपको अपना फाइनल एक्सपीरियंस बता दूंगी कि मुझे कैसा लगा है। हे गाइस वेलकम बैक, सो आज मैं आपको अपना फाइनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की, इसकी क्वांटिटी इतनी बढ़िया थी कि अभी तक ये ट्यूब मेरा खत्म नहीं हुआ है, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो प्राइस वाइज तो ये 10/10 है। और अभी बात करूँ अगर इसने मेरे अंडर आई में कैसा काम किया है, तो पिगमेंटेशन डेफिनेटली पूरी तरीके से नहीं गई है, वो बहुत मुश्किल भी होती है पर हील ज़रूर हुआ है। काफ़ी टाइम लग गया मुझे अपने ये जो पिगमेंटेशन थी उसको लाइट करने में भी, क्योंकि ऑफकोर्स पिगमेंटेशन इतने आराम से जाती नहीं है, एंड 2 महीने अभी हो गए हैं पूरे के पूरे इसको यूज़ करते करते, तो देख सकते हैं आप लोग कितना मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड इसके बाद मैं फिर से इसको मंगाने वाली हूँ फॉर श्योर, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे अंडर आई में। तो अगर आप भी इसको यूज़ करते हैं लगाते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें पानी बहुत पीना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तब उस टाइम पर थोड़ी बहुत ठंडी थी और अब डेफिनेटली गर्मी आ चुकी है, तो पानी मस्ट है, पानी जितना पी सकते हो उतना पीऊँ। मैं खुद बहुत कम पीती हूँ पर मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ, और नींद अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 5-6 घंटे की नींद आप डेफिनेटली लीजिए, और देखेंगे कि साथ ही साथ आपकी जो पिगमेंटेशन है ना खुद कम हो रही है, आई बैग्स आपके कम होने लगेंगे और जो आई क्रीम है वो बहुत अच्छा काम करेगी आपके अंडर आई में।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मेरा रिव्यू इसके लिए यही था, मुझे काफ़ी पसंद है ये। इसका जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। एंड अगर आपके पास कोई ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जिसका रिव्यू आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सामने वो लेकर आ जाऊँगी। एंड आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो। मैं आपसे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के बाय।